अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ इस चैनल पर आध्यात्मिक चर्चा की एक श्रृंखला प्रसारित हो रही है। आज उस श्रृंखला की चतुर्थ कड़ी है। हमने पिछले अंकों में गुरुजी से कर्म सिद्धांत संबंधी अनेक प्रश्न पूछे, जिनके समाधान हमें प्राप्त हुए। आइए आज का प्रसंग आरंभ करते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरि ओम, जय जय श्री राम। आज के अंक के लिए हमारा प्रश्न है, यदि व्यक्ति कर्म करता रहे और साथ में फल का चिंतन भी करता रहे तो ऐसे कर्म करने में क्या हानि है? क्या कर्म फल का चिंतन हमारे कर्म को प्रभावित करता है, और यदि करता है तो इस कर्म फल के चिंतन से बचने का क्या उपाय है? आपसे आग्रह है कि आप इस संदर्भ में मार्गदर्शन करें। गुरु जी, हरि ओम। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। अनुराग जी, कल के विषय में हमने कर्म और कर्म फल इस पर चर्चा किया था और इस विषय पर प्रकाश डाला था कि अगर हम कर्म करते समय कर्म फल का चिंतन करते तो हमारा कर्म ठीक से हो नहीं पाता, क्योंकि आधे मन से तो हम कर्म करते हैं और हमारा आधा मन कर्म फल के चिंतन में लगा रहे तो हम पूरे मन से कर्म नहीं कर पाते। हमारा मन दो धाराओं में विभक्त रहता है और मन की ये जो विभाजित धारा है ये हमें कर्म ठीक से करने नहीं देती। आज का जो प्रश्न है आपका वो व्यावहारिक है और बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज का प्रश्न जो आपका है कि कर्म फल का भी चिंतन करते रहे और कर्म भी करते रहे तो इसमें क्या हानि है। देखो, कर्म का जो फल है, अब हम इस फल पर विचार करते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म, उसके दो फल होते हैं, या तो सुख होगा या दुख होगा। कर्म का फल अगर दुख हुआ तब तो वह दुखद है ही, लेकिन अगर कर्म का फल सुख भी हुआ तो भी वो परिणाम में दुख रूप ही है, क्योंकि यह जो सुख है ये हमें परम आनंद से वंचित कर देता है। जी, परम आनंद की जो प्राप्ति है वो हम नहीं कर पाते। आइए सबसे पहले इस सुख पर ही विचार करते हैं, जिसके पीछे सारा का सारा संसार पागल है। इस सुख के बारे में शास्त्रों का क्या कहना है, और व्यवहार में भी हम वही अनुभव करते हैं जो शास्त्र कहते हैं, वही हम व्यवहार में अनुभव करते हैं। जी, यह सुख पांच प्रकार का होता है। शब्द रूप होता है, स्पर्श रूप होता है, रूप का जो दर्शन है उस रूप का भी होता है, रस रूप होता है और गंध रूप होता है। ये बड़ा साइंटिफिक है। हमारे अंदर पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आज के विषय को जरूर ध्यान से सुने। ये जो पांच इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो भी हमें सुख मिलता है,
पर संसार का सारा सुख इतना ही है। या तो हम ये चाहते हैं हमें शब्द कैसे सुनने को मिले, शब्द श्रोतेंद्रिय का विषय है, ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन्हीं पांच को विषय कहा गया। शब्द श्रोतेंद्रिय का विषय, श्रोत्र माने कान, शब्द हम कानों से सुनते हैं, तो हम कैसे शब्द सुनना चाहते हैं, अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, खराब शब्द नहीं सुनना चाहते। कोई किसी की निंदा करे तो निंदा किसी को अच्छी नहीं लगती, और प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, और कड़वे शब्द किसी को अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक कि भले लोगों का कल्याण होने की बात हो तो भी व्यक्ति कल्याणकारी बात को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो कठोर है। तो अब अगर किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी और प्रशंसा से हम सुखी हो गए, हमें आनंद का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, और अगर किसी ने हमारी निंदा कर दी और हम दुखी हो गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा सुख और हमारा दुख हमारे पास नहीं है, हमने अपना सुख और अपना दुख दोनों के दोनों हमने दूसरे के हाथ के लिए रख दिए। माने संसार के लोग जब चाहें तब हमें सुखी कर दें और जब चाहें तब हमें दुखी कर दें। क्या ये ठीक है? ये विषयों का दोष है। त्वचा इंद्रिय का विषय है स्पर्श, हमें कोमल स्पर्श अच्छा लगता है और कठोर स्पर्श अच्छा नहीं लगता। चक्षु जिसे नेत्रेंद्रिय कहते हैं उसका विषय है रूप, अच्छा अच्छा देखने को मिले, अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले, सुंदर व्यक्ति देखने को मिले, ये तो अच्छा लगता है, कुरूपता हमें अच्छी नहीं लगती। जिह्वा इंद्रिय का विषय है रस, छह प्रकार के जो रस होते हैं, तो जीव अच्छे रसों को प्राप्त करना चाहती है, और जो रस स्वादिष्ट नहीं होते उन्हें नहीं स्वीकार करती। इसी तरह से हमारी घ्राण इंद्रिय जिसे हम नासिका कहते हैं, वह सुगंध को तो स्वीकार करती है लेकिन दुर्गंध को नहीं सुनना चाहती। ये पांच ही विषय है, ये विषय अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन सब प्रकार से देखा जाए तो ये विषय दुखद ही है, क्योंकि ये हमें बांधते हैं। विषय शब्द का अर्थ होता है विचिन्वन्ति अवधनन्ति पुरुषम इति विषयः। विषय क्या है? जो मनुष्य को अंदर से बांध ले। अब देखो, इनमें से मैं केवल एक ही चर्चा करता हूँ, यह जो जिह्वा इंद्रिय का विषय है रस, इतना समय नहीं है कि एक एक का विस्तार से वर्णन किया जाए, और उसकी आवश्यकता भी नहीं। रस माने होता है स्वाद, प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक, आज सुबह नाश्ते में क्या बना, दोपहर के भोजन में क्या बनेगा, रात के भोजन में क्या बनेगा, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन के बीच में एक भोजन और होता है। किसी के यहाँ अगर हम जाते हैं तो उसके मन में भी ये पूरी तरह से समाया हुआ है कि इस व्यक्ति को अच्छा अच्छा भोजन करा दीजिए, स्वादिष्ट भोजन करा दीजिए, तो फिर इसकी चाहे कुछ काम करा है। ये हमारे वश में हो जाएगा, ये हमारा प्रेमी हो जाएगा। ये जो भोग बुरी वस्तु नहीं है, भोग को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो जीवात्मा की आसक्ति हो जाती है यह हानिकारक है। इसलिए भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि हमारा संसार में सबसे बड़ा विष कौन सा है। एक छोटा सा ग्रंथ है आदि शंकराचार्य का प्रश्नोत्तरी, उसमें प्रश्न किया गया कि विषात विषम किम, संसार में अनेक प्रकार के विष हैं, इनमें सबसे बड़ा विष क्या है?
तो भगवान शंकराचार्य उत्तर देते हैं, विषय संसार, ये जो संसार के विषय हैं, यही सबसे बड़े विषय हैं। और देखो भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो विषय शब्द है, इसके आरंभ के जो दो वर्ण हैं, उन्हें अगर मिला दिया जाए तो विषय ही तो है। ये मनुष्य को अंदर से बांधता है। देखो कोई हमारे शरीर को बांध ले तो हमें दिखाई देता है जी। हम किसी से यह कह सकते हैं कि भाई ये जो बंधन है, इस बंधन से हमें मुक्त कर दो, लेकिन अगर कोई हमारी आत्मा को बांध ले, हमारे स्वरूप को बांध ले, हमारे मन को बांध ले, हमारी बुद्धि को बांध ले, तो कितना खतरनाक है वो। ये विषय हमारे आत्मा को बांधते हैं, हमारे मन को बांधते हैं, हमारी बुद्धि को बांधते हैं, और बांध करके हमें तरह तरह से दुख देते हैं और हमारा सर्वनाश करते हैं। बाहर से हमें ऐसा लगता है कर्म फल का चिंतन करना कोई बुरी बात नहीं है, बिना कर्म फल का चिंतन किए हम कर्म करेंगे कैसे। यदि उसके घातक परिणाम को देखा जाए तो इतिहास इस बात का गवाह है कि सारा का सारा पाप कर्म मनुष्य केवल इसी कारण करता है क्योंकि वह विषयों से बंधा हुआ है, उसे विषय चाहिए। देखो संसार में अधिकांश लोग आंख बंद करके और पाप कर्म करके धन इकट्ठा करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए इतना धन किस लिए, तो वो यही तो कहेंगे कि भोग के लिए। धन के तीन उपयोग हैं, एक है भोग, दूसरा है दान और तीसरा है विनाश। या तो मनुष्य अपने ऊपर धन का उपयोग कर ले भोग के रूप में, या दान दे करके वह अगले जीवन की तैयारी कर सकता है। पर ये जीवन तो हमारा बहुत ठीक है। संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए देखे जाते हैं कि इस जीवन में तो भगवान ने सब कुछ दिया। अब इस जीवन में अगर सब कुछ भगवान ने दिया है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए। तो इस संसार में जो कुछ भी उनके पास है उसमें से अधिकांश, इसका भी एक तरीका है, अधिकांश धन, अधिकांश संपत्ति, अधिकांश समय इस बात के लिए निकालना चाहिए कि मैं दरिद्र नारायण रूप जो परमात्मा है उसकी कैसे सेवा करूं। इस अध्यात्म चिंतन धारा के प्रथम एपिसोड में एक बात कही थी कि भगवान का वास्तविक स्वरूप वह है जो संसार में दरिद्र नारायण के रूप में है। भगवान के विविध रूप हैं। भगवान उस रूप में जीवात्मा के सामने जाता है। अगर जीवात्मा की बुद्धि शुद्ध है, मन पवित्र है, तो भगवान का दिया हुआ धन उसमें से वो उस पात्र को तत्काल निकाल देता है, बदले लेता है। और यदि उसने ऐसा ना किया तो उसका फल उसे अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इसीलिए एक ऋषि कहता है कि जब भी कोई गरीब, जब भी कोई धनहीन हमारे सामने आवे तो आप क्या समझते हैं, वो हमसे मांगने आया है? नहीं, वो हमें ज्ञान देने आया है। कौन सा ज्ञान? मैंने पिछले जन्म में किसी को नहीं दिया था, जिसे देना चाहिए उसे नहीं दिया, और मैंने अपने धन का केवल अपने लिए उपयोग किया, इसलिए इस जन्म में मेरी ये स्थिति। यदि आपने न दिया अगले जन्म में आपकी भी यही स्थिति होने वाली जी। बोध ही अंतिम न जाते, ऋषि कहता है। देखो ये जो ऋषि हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो यही ऋषि मिलने बैठे, और इन्होंने हमें समझाया। ये उनका उपदेश है हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, कि बोधयन्ति न यातन्ते भिक्षाचारा गृहे गृहे, घर घर जाकर के ये जो भिखारी जिन्हें हम कहते हैं
ये भीख नहीं मांगते, ये लोगों को शिक्षा देते हैं कि दीयताम दीयताम नित्यम तदातु फल निदसम, देते रहो देते रहो, अगर दोगे तो अगले जन्म में मिलेगा और ना दिया तो अदातु फल निदसम, तो जो मैं हूँ इसी तरह से आप भी किसी के दरवाजे अगले जन्म में खड़े हो जाओगे। बड़ी विशिष्ट बात, यह संसार इतना विलक्षण है, जो मनुष्य आंख बंद करके पाप करता है और धन इकट्ठा करता है ऐसे व्यक्ति को लोग सफल मनुष्य कहते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। वह व्यक्ति पाप कर्म करके प्रातः काल से सायंकाल तक अपना पसीना बहा करके जो धन इकट्ठा करता है वह धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन उस धन के कमाने में जो पाप किया है उस पाप को अपने साथ के ले जाएगा। अब आप बताइए, ऐसे मनुष्य को हम बुद्धिमान कहेंगे कि बुद्धिहीन कहेंगे? तो हमारे शास्त्र हमें जागृत करते हैं, हमें बताते हैं कि एक सीमा तक धन हो इसकी बड़ी आवश्यकता है जी। परिवार का संचालन हो इतने धन की तो नितांत आवश्यकता है। इसीलिए कल हम जो बात कर रहे थे कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। आगे की बात हमने छोड़ दी थी। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा सुख क्या है? तो स्वामी को बताना चाहिए कि सबसे बड़ा सुख है धनवान होना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। नहीं दरिद्र सम दुख जगवाही, और जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा सुख क्या है तो वो कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही, सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलना। क्यों? क्योंकि संतों के मिलने से हमें जीवन की यथार्थ का बोध होता है, हमें शास्त्र का बोध होता है, हमें हमारे कर्तव्य कर्म का बोध होता है। देखो बाहर से देखा जाए तो एक संत में और एक भिखारी में कोई अंतर नहीं होता जी। भिखारी के पास भी कुछ नहीं है और उस संत के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन एक कहता है, अंतर अंदर से होता है, एक कहता है मुझे चाहिए और दूसरा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है भिखारी की झोली में तो बहुत कुछ पड़ा हो, लेकिन हमारे कुछ ऐसे संत हैं जिन्हें कर्मात्री कहते हैं, उनके पास भोजन करने के लिए एक पात्र भी नहीं होता है, और पहनने के लिए एक लंगोटी को छोड़ करके और कुछ नहीं होता है, और अगर कोई उन्हें कुछ देना चाहे तो वो कहते हैं मैं क्या करूंगा इसका, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसे लोग चार घरों में जाकर के एक एक घर से एक एक रोटी लेते हैं और उसे खाकर के भगवान का भजन करते हैं। जिनको कछु न चाहिए ते ही सांसा, तो ऐसे जो सांसा हैं, ऐसे लोगों के पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहते हैं गांठी तो बांधे नहीं मांगत हूँ सब जान, इनके पीछे हरी फिरें कहूं भूखे ना रहता। और देखो मनुष्य को यही तो चिंता होती है सबसे बड़ी, इतना सारा धन मनुष्य क्यों इकट्ठा करता है, कहीं आगे चल करके कोई विपत्ति आवेगी तो उस विपत्ति में ये धन मेरे काम आएगा जी। ये कितना गलत चिंतन है। अगर मनुष्य का आचरण शुद्ध है, उसका व्यवहार ठीक है, तो उसके जीवन में विपत्ति आएगी ही क्यों? ऐसा मनुष्य जो केवल भविष्य की विपत्ति के लिए लोगों को इकट्ठा करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो एक संत कहता है
मेरे को उस भगवान की कितनी चिंता है। मैं जब माता के गर्भ में था उस समय किसी को मालूम नहीं था, मेरी माँ को भी मालूम नहीं था, पिता को भी मालूम नहीं था, किसी डॉक्टर को नहीं मालूम था, परिवार वालों को भी नहीं मालूम था, लेकिन किसी को मालूम था कि यह बालक माँ के गर्भ में आया है और जब ये जन्म लेगा तो इसके मुख में दांत नहीं होंगे, तो ये बाहर की कोई भी वस्तु खा नहीं पाएगा। तो उसने मेरे लिए ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा सुंदर, ऐसा सुपाच्य और ऐसा पुष्टिवर्धक भोजन बना करके मेरी माँ के शरीर में डाल दिया। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे को वह दुग्ध के रूप में पीने को मिला। जिस परमात्मा को मेरी माता के गर्भ में मेरी चिंता थी, उसे क्या अब मेरी चिंता नहीं होती? ऋषि कहता है, यो मे गर्भगतस्यापि वृत्तिं कल्पितवान् स्वयं। किसी ने उन भगवान से बोला नहीं था, मैं तो इस लायक ही नहीं था कि मैं उनसे बोलता। यो मे गर्भगतस्यापि वृत्तिं कल्पितवान् स्वयं, उन परमात्मा ने स्वयं मेरी जीविका की व्यवस्था किया, स्वयं मेरे भोजन की व्यवस्था किया। शेष वृत्ति विधाने की अब जब उस परमात्मा ने मेरा जन्म दिया और मैंने अपने को देखा तो मैं प्रसन्न हो गया। मेरे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, विचार करने के लिए सुंदर बुद्धि मेरे पास है, अब तो मैं कर्म कर सकता हूँ। और मैं कैसा पागल निकला कि मैंने उन्हीं भगवान को तो मैं भूल गया और मैं स्वयं अपने को इस समस्त व्यवस्था का कर्ता धर्ता मान बैठा और मैं स्वयं अपने लिए इकट्ठा कर देता। तो भगवान मेरे से दूर चले। शेष वक्त विधाने भी सतिम सुप्तो थवाम पिता। वो ऋषि कहता है कि अब क्या मेरे शेष जीवन की व्यवस्था वो नहीं करेंगे? क्या वो सो गए हैं अथवा वो अभी संसार में नहीं है? अब जरा ध्यान से सुनिए, मनुष्य का पतन कैसे होता है इसकी बात भगवत गीता में बताई गई। ये जो विषय है, विषय माने सांसारिक सुख, सांसारिक सुखों का चिंतन करने से मनुष्य का पतन कैसे होता है? मनुष्य निरंतर संसार के सुखों का चिंतन करता है और सुखों का चिंतन करते करते उस सुख के साथ मनुष्य की आसक्ति हो जाती है। नहीं नहीं, ये विषय तो मुझे चाहिए क्योंकि इन्हीं से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। जी, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुख जायते। उन विषयों से मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, उससे उसका मन जुड़ जाता है, उसकी बुद्धि जुड़ जाती है। संगा संजायते कामा। अब जब इन विषयों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो सुख है, इस सुख से जब मनुष्य का मन जुड़ जाता है, उसकी बुद्धि जुड़ जाती है, इसे बोलते हैं आसक्ति। संगात इसी को बोलते हैं संग, संगात संजायते काम, तो हमारे मन में कामना जन्म लेती है। कामात क्रोधो भी जायते। केवल कामना ने जन्म लिया फिर ये अनंत परंपरा शुरू हो जाती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामना से लोभ उत्पन्न होता है, और जब ये लोभ और क्रोध उत्पन्न होते हैं तो क्रोधा भवति संभवा, फिर बुद्धि के आगे एक अंधकार जैसा छा जाता है। सम्मोहात स्मृति भी परमा, जैसे ग्रीष्म काल में भवंडर उठता है, उसमें धूल होती है, अंधर होता है, आंधी होती है, नेत्रों में कुछ भी सूझता नहीं, मनुष्य अपने नेत्रों को बंद कर लेता है। ठीक इसी तरह से जब काम और क्रोध का वेग उत्पन्न होता है तो मनुष्य की बुद्धि भी बंद हो जाती है, क्योंकि इनका सबसे पहला अटैक मनुष्य के मन पर और उसकी बुद्धि पर होता है।
कामात क्रोधो विजयात जायते क्रोधात भवती सम्मोहा सम्मोहात स्मृति निर्ब्रह्मा। फिर स्मरण शक्ति काम नहीं करती, और जब स्मरण शक्ति काम नहीं करती स्मृति वर्ण साथ बुद्धि नाश, तो हमारा बुद्धि नाश होता है। और ऐसी स्थिति में ही तो मनुष्य पाप कर्म करता है। एक बार मुझे थोड़ा सा अवसर मिला फतेहगढ़ से सेंट्रल जेल में कैदियों के सामने कुछ बात करने का। वहाँ पर मुझसे कुछ लोगों ने बताया कि हमने पाप कर्म नहीं किया। एक बार आप गांव में जाइए, उनका कहना था आप हमारे गांव में जाइए तो लोग हमारी प्रशंसा करते हुए मिले। केवल एक बार हमारे मन में क्रोध आया और उस क्रोध ने हमसे ये 302 का केस हो आजीवन कारावास की सजा हो गई। उनकी बात सुनकर के मुझे लगा ये क्रोध का केवल एक दोष का फल है आजीवन कारावास की सजा। और क्यों? क्योंकि क्रोध जब आता है, काम का आवेश जब आता है, लोभ का आवेश जब आता है, ये हमारी बुद्धि का विनाश करते हैं। और इनका आवेश कब आता है? जब हमारे मन में विषयों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। माता कहते ही तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से इतना प्रेम करती थी कि जब वे पूजा भी करती है तो पूजा करते समय भगवान से प्रार्थना करती है कि जो भी जन्म दे कर छोड़ो वो राम की पूत पशु हूँ। हे भगवान, अगर मेरे को अगला जन्म देना तो राम को मेरा बेटा बनाना और सीता को मेरी बहू बनाना। लेकिन ऐसी कहती के मन में जब मंत्रा के द्वारा काम का प्रवेश कराया जाता है, जो भविष्य का दर्शन कराया जाता है, उनके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और जिस कहके वो भगवान श्री राम साक्षात परमात्मा जिस कहके के चरणों में अपना मस्तक रखते थे वो कहके कितना कठोर हो जाती है। अगर ये काम, ये क्रोध, ये लोभ अयोध्या में जाकर के महाराज श्री दशरथ जी के महल में उत्पात मचा सकते हैं, तो हमारी आपकी कौन सी गणना है? इसलिए इनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका परिणाम क्या हुआ? अयोध्या में जो महान अनर्थ होता है वो कहते ही प्राणों से अधिक, ये कहते ही शब्द है, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे इनके तिलक क्षोभ कस तोड़े। कहते ही ने प्रथम दृष्टया को मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, तो दोबारा कभी ऐसी बात बोलना नहीं। लेकिन वही कहते ही श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास देने में संकोच नहीं करती। यह क्रोध का आवेश है जिसने बुद्धि को नष्ट कर दिया, और जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो बुद्धि नाशा प्रवस्थ कहते ही का सर्वनाश। तो जो लोग आंख बंद करके पाप कर्म करके धन इकट्ठा कर रहे हैं उनका सारा का सारा धन यहीं तो रह जाएगा, धन तो रह जाएगा, लेकिन उनके द्वारा किया गया क्या पाप कर्म भी यहीं रह जाएगा? पाप कर्म तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषम। और जीवन के अंतिम क्षणों में संभव है वे अनिद्रा के रोगी हो जाए, उन्हें नींद ही ना आवे। और केवल नींद ना आने से मनुष्य को ऐसा कष्ट होता है यह तो वही जानता है जो इसे भोगता है। तो ऐसे लोगों को सावधान रह करके कर्म के प्रति हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य से प्रश्न किया गया था कि सदा दुखी कौन रहता है,
दुखी सदा को, कितनी सुंदर प्रश्न है। भगवान से पूछा गया दुखी सदा को, आपने ये तो बता दिया कि सबसे बड़ा विषय है विषय, तो फिर अब ये भी बता दीजिए कि सबसे बड़ा दुखी कौन होता है और सदैव दुखी कौन रहता है। बड़ा छोटा सा उत्तर है उनका, विषयानुरागी, जो विषयों से प्रेम करता है। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है, इसके लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य प्रतिदिन इसका अनुभव करता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी चौलो विषय की मुझे माधुरी नीत। ये विषय में जो माधुर्य का बोध होता है, यह जो मिथ्यापित मिथ्यता का बोध होता है, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठ सीठ। जब तक हमें विषय अच्छे लगते रहेंगे तब तक हमारा मन भगवान की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे जो रामचरित मानस के आदर्श पात्र हैं श्री भरत जी, जरा स्थिति तो देखिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब वे श्री राम को मनाने वन में गए और श्री राम ने आदेश किया कि नहीं बेटा, आपको भरत आपको अयोध्या जाना है और अयोध्या में जाकर के अपने कर्तव्य का पालन करना है। अयोध्या में वे इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। अवध राज सुरराज सिहाही दशरथ धन लख धनद लजाही सेहिपुर बसत भरत बिनु राजा। अयोध्या के वैभव से, अयोध्या के धन से, अयोध्या की संपत्ति से श्री भरत का कोई लेना नहीं। तेहिपुर बसत भरत बिनु राजा चंचरीक जिन चंपक बागा। गोस्वामी जी ने कहा, प्यारा उत्तर दिया है और प्यारा उदाहरण दिया है। जैसे भावरा चंपा के बाग में निवास करता है, चंपा के पुष्प से भावरे को कोई लेना देना जी। भूषण बसन भोग सुख भोरी, संसार के जितने वैभव है, संसार के जितने सुख हैं, भूषण बसन भोग सुख भोरी तन मन बचन सजे तन पूरी। संकल्प लेकर के श्री भरत जी सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। सो क्यों करते? बहुत से लोग तो इस बात को सुनकर के घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा सुख तो संसार में मिल रहा है, इन भोगों में ये उन्हें भी छोड़ने की बात करते हैं। देखो, जब तक हम भोगों को नहीं छोड़ते, जब तक हम विषयों को नहीं छोड़ते, तब तक हमारे मन में शांति नहीं मिलती जी। इन विषयों के सुख से हमारे अंतःकरण की शांति अनंत गुना बड़ी है। वो शांति हमें अभी तक जीवन में कभी मिली ही नहीं, और जिसे वो शांति मिली वो संसार के काम का रहा नहीं, क्योंकि उसने संसार का त्याग किया। एक शब्द है सुख, विषयों से सुख मिलता है, संसार के भोगों से सुख मिलता है, लेकिन दुख भी मिलता है। सुख का त्याग करते ही, विषयों का त्याग करते ही अखंड शांति की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है, उसका मन स्वाधीन होता है, उसकी इंद्रियां अपने अधीन होती हैं, वह मन और इंद्रियां और बुद्धि ये सब के सब अंदर प्रवेश करते, अध्यात्म दर्शन करते, अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं, जहाँ केवल आनंद और आनंद ही है। बाहर सुख है, सुख के साथ दुख है, क्योंकि सुख का विरोधी शब्द है दुख। ये बाहर से मिलने वाली वस्तु है, अंदर से मिलता है आनंद। आनंद शब्द का कोई विरोधी शब्द, यह आनंद जब प्राप्त होता है तो यह बढ़ता ही जाता है, ये कभी घटता नहीं है। और एक स्थिति जीव की ऐसी आती है जब वो अपने को भी भूल जाता है, फिर तो वो जहां बैठ जाता है
जहाँ जहाँ दोनों सो परिक्रमा दो पचपनों को टूटा, तो जहाँ बैठ जाता है वही उसकी खां भी लग जाती है। फिर उसे मन को एकाग्र करना नहीं पड़ता, फिर उसे जीवन में अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका मन उसके अपने वश में होता है और उसका मन साक्षात हृदय में बैठे हुए परमात्मा से एकाकार हो चुका होता है। शास्त्र की वार्ता में इसे कहते हैं सदाकाराकारिकता, उस परमात्मा से एकाकार हो जाना जिससे जो आनंद स्वरूप है, और हमारा मन जब उस परमात्मा के, यह शुद्ध मन जब उस परमात्मा के से एकाकार होता है तो केवल और केवल आनंद की अनुभूति करता है। जो कर्म हमारे लिए बंधनकारी है वही कर्म हमारे लिए आनंद दाता हो जाएगा। सबसे पहले विषयों का त्याग करते समय हमारे मन में शांति आएगी और शांति के आते ही हमारा मन और हमारी बुद्धि हमारा कहना मानने लगेगी, हमारी इंद्रियां हमारा कहना मानने लगेगी। अभी तो हम इनके दास हैं। मन में इच्छा हुई और हमें हमारे मन में समोसा खाने की इच्छा हुई और समोसे के लिए हम दौड़ पड़े तो हम समोसे के दास हैं। एक छोटी कहानी है मेरे जीवन में, मैंने एक बार काशी में देखा एक महात्मा जी को, वे प्रातः काल समोसा लेकर के आए थे, जलेबियां लेकर के आए थे, और मैं उनके यहाँ शाम को 4 बजे पहुंचा। मैंने देखा कि वो सब रखे हुए हैं। मैंने पूछा स्वामी जी आप अपने लिए लाए थे? बोले हाँ लाया तो अपने लिए ही था। मैंने पूछा क्यों? अब बोले सुबह में गंगा स्नान करने गया था तो विश्वनाथ गली में देखा कि समोसा बन रहा है, जलेबियां बन रही हैं, तो मेरे मन में इच्छा हुई खाने की, तो मैंने खरीद लिया और खरीद करके लाया, क्योंकि मेरा मन चाहता था, मेरी इंद्रियां चाहती थी ये खाना। अब मैं सुबह से लेकर के इनसे कह रहा हूँ, अपने मन से कह रहा हूँ, अपनी इंद्रियों से कह रहा हूँ, भाई सामने रखा है आप खाओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन ये खा ही नहीं रहे जी। मैंने पूछा स्वामी जी ये आप कैसे खा सकते हैं? तो बोले नहीं खा सकते तो न खाए। ये उनका एक अभ्यास था और ये क्रोध था अपने मन के प्रति, अपनी इंद्रियों के प्रति, कि तुम्हारे अंदर इस समोसे को खाने की, जलेबी के खाने की इच्छा क्यों हुई। उन्होंने मुझे बताया अपने मन को समझाना पड़ता है। अभी मेरी साधना का सीमा है तो अपने मन को समझा रहा हूँ, ताकि भविष्य में कभी जलेबी बन रही है तो उसकी सुगंध मुझे अच्छी लगे, समोसा बन रहा है उसकी सुगंध मुझे अच्छी न लगे। मैं नहीं चाहता कि मैं इन इंद्रियों का दास बनूं, क्योंकि जब तक मनुष्य इंद्रियों का दास रहता है तब तक उसका मन भगवान के पास नहीं रहता। तो कर्म करना तो अच्छा है, कर्म फल का चिंतन करना अच्छा है। तो गुरुजी इस नोट के साथ कि कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म का चिंतन करना श्रेष्ठ नहीं है, हम इस चर्चा को यहाँ पर विश्राम देना चाहेंगे। यह जो इतनी सारगर्भित चर्चा है इसे स्वयं तक सीमित न रखें, अपने परिवार के सदस्यों, अपने मित्रों के साथ यदि इसे बांटेंगे, उनके साथ श्रवण करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ अधिक से अधिक होगा। इस उम्मीद के साथ गुरुजी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।